विदिशा लोकसभा क्षेत्र की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 173 में मतदाताओं में मतदान के लिए सुबह से ही उत्साह देखा गया। कई पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तेज गर्मी का प्रकोप भी मतदाता को मतदान करने से नहीं रोक पाया। प्रशासन ने इस बार मतदान में किसी प्रकार की कोई परेशानी मतदाता को ना हो इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान की माकूल व्यवस्था की गई थी। वहीं आदर्श मतदान केंद्र बनाए थे। वहीं अन्य मतदान केंद्र भी बनाया गया था जिसमें सभी मतदान कर्मी दिव्यांग थे। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। कई दुल्हा दुल्हन मतदान केंद्र पर पहुंचकर मत का उपयोग किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर श्रीकांत पांडे और एसपी चंद्रशेखर सोलंकी पूरे समय खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। उन्होंने मतदाताओं की हौसला अफजाई की और उन्हें धन्यवाद भी प्रेषित किया। खातेगांव से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। मैं और एसपी साहब लगातार, चूंकि आज खातेगांव में मतदान दिवस है, तो सुबह से विभिन्न मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और अधिकतम मतदान केंद्र हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मॉक पोल भी स्वयं देखा है और उसके बाद भी लगातार ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि वोटर्स को असुविधा नहीं हो और बहुत तेज़ी से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग